Assalamu alaikum. Welcome to this video about brake horsepower and hydraulic horsepower for a triplex pump. So इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेक हॉर्स पावर और हाइड्रोलिक हॉर्स पावर में क्या डिफरेंस है और उसको कैलकुलेट किस तरह से करना है किसी भी गिवन ट्राइप्लेक्स पंप के लिए. तो अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. डिस्कशन को आगे प्रोसीड करने से पहले एक दफा हम आपको इन लाइन ले लेते हैं कि हम बेसिकली डिस्कस क्या कर रहे हैं. हम लोग बात कर रहे हैं पंपिंग और स्टिमुलेशन इक्विपमेंट के ऊपर और इसमें हमारी डिस्कशन इन प्रोग्रेस है पंप्स के ऊपर. पंप्स के ऊपर अभी तक हम लोग जो है वो ये 5 to 6 पॉइंट जो है वो कवर कर चुके हैं, जिनमें सबसे पहला पॉइंट था एप्लीकेशन ऑफ पंप्स इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, पंप वर्सेस मोटर, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ट्राइप्लेक्स पंप, इट्स मेजर पार्ट्स एंड इट्स वर्किंग, एंड हाउ टू कैलकुलेट फ्लो रेट फॉर ए ट्राइप्लेक्स पंप. आज के इस लेसन में हम लोग देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक हॉर्स पावर एंड हाइड्रोलिक हॉर्स पावर ऑफ ए ट्राइप्लेक्स पंप. तो अगर हम इस स्लाइड पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है द पावर प्रोड्यूस बाय द इंजन व्हिच इज अवेलेबल एट फ्लाईव्हील इज कॉल्ड ब्रेक हॉर्स पावर. जैसा कि हमने प्रीवियस लेसन में डिस्कस किया था, देखा था कि जो भी ट्राइप्लेक्स पंप होता है वो अल्टीमेटली पावर कहाँ से ले रहा होता है, इंजन से ले रहा होता है. तो जो इनिशियल सोर्स ऑफ पावर है यानी कि इंजन, ये जितनी पावर प्रोड्यूस करेगा और अपने फ्लाईव्हील पे प्रोवाइड करेगा अपने लॉसेस को निकालने के बाद, मतलब इंजन के अंदर जो पावर लॉसेस है उनको एक्सक्लूड करने के बाद जो फाइनल पावर हमें फ्लाईव्हील के ऊपर मिलेगी उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर. डायनेमोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ बीएचपी. ब्रेक हॉर्स पावर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डायनेमोमीटर. इट मेजर्स बोथ टॉर्क एंड आरपीएम ऑफ द फ्लाईव्हील एंड गिव्स द वैल्यू ऑफ बीएचपी. तो डायनेमोमीटर की वर्किंग इस तरह से है कि ये फ्लाईव्हील की टॉर्क को भी मेजर करेगा और उसके आरपीएम को मेजर करेगा. देन इन दोनों पैरामीटर को यूज करते हुए वो हमें फाइनल जो है बीएचपी यानी कि जो हॉर्स पावर है इंजन की वो हमें बता देगा. कह रहा वर्ड बीएचपी इज एसोसिएटेड विद द वर्किंग ऑफ डायनेमोमीटर. यहाँ पे एक बात और भी देख लेते हैं कि जो ब्रेक हॉर्स पावर हम कह रहे हैं, हॉर्स पावर के साथ जो ब्रेक का वर्ड है ये बेसिकली डायनेमोमीटर की वजह से ही है. डायनेमोमीटर की वर्किंग अगर देखें तो वो इस तरह से है कि जो फ्लाईव्हील होता है, ठीक है, फ्लाईव्हील के ऊपर डायनेमोमीटर एक ब्रेक अप्लाई करता है और उसकी टॉर्क को मेजर करता है, ठीक है, और दूसरा उसकी आरपीएम को पहले मेजर कर लेता है. इन दोनों पैरामीटर को यूज करके वो हमें ब्रेक हॉर्स पावर की वैल्यू प्रोवाइड करता है. तो जो ब्रेक का वर्ड है वो किस वजह से है, डायनेमोमीटर की वर्किंग की वजह से, ठीक है. तो आई होप कि आपको जो है वो ब्रेक हॉर्स पावर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अब देखते हैं हाइड्रोलिक हॉर्स पावर. कह रहा है एज द पावर इज बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम फ्लाईव्हील टू फ्लूइड एंड देयर विल बी अ स्पेसिफिक लॉस ऑफ पावर ड्यू टू फ्रिक्शन इन डिफरेंट मैकेनिकल कंपोनेंट्स. डेफिनेटली जब भी पावर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रांसफर होगी तो दरमियान में मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे वहां पर पावर लॉस होती है. इस केस में क्या होगा कि जो इंजन है, इंजन से जब पावर पंप तक जो है वो ट्रांसफर होगी तो दरमियान में जो है वो ट्रांसमिशन सेक्शन आएगा, उसके बाद पंप का जो है वो पावर एंड आएगा और उसके बाद दरमियान में जो क्लचेस वगैरह आएंगे इन सब पॉइंट्स के ऊपर क्या होगी, पावर लॉस होगी. तो ये सारी पावर लॉस होने के बाद जो फाइनल पावर फ्लूइड एंड को मिलती है उस पावर को हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोलिक हॉर्स पावर, ठीक है. यानी कि जो इंजन की पावर है, जो ब्रेक हॉर्स पावर है, वो जब फ्लूइड एंड तक ट्रांसफर होगी दरमियान में जो लॉसेस हैं उन लॉसेस को अगर हम माइनस कर दें तो जो फाइनल पावर फ्लूइड एंड को, पंप के फ्लूइड एंड को मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिक हॉर्स पावर. कह रहे कॉन्सेप्ट ऑफ पंप एफिशिएंसी इज यूज्ड टू क्वांटिफाई दिस लॉस ऑफ पावर. जो पावर का ये लॉस है इसको क्वांटिफाई करने के लिए पंप एफिशिएंसी की टर्म यूज होती है. तो पंप एफिशिएंसी की डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है हाइड्रोलिक हॉर्स पावर डिवाइडेड बाय बीएचपी. डेफिनेटली कोई भी एफिशिएंसी हमने लेनी होती है तो जो फाइनल आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ये जो है वो एफिशिएंसी का फार्मूला है. तो यहां पर हमारी आउटपुट क्या है, हाइड्रोलिक हॉर्स पावर, और इनपुट क्या है, ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है. तो डिपेंडिंग अपॉन द एफिशिएंसी जो है वो हमें हाइड्रोलिक हॉर्स पावर का पता चल जाएगा. अब यहां पे कह रहा है हाइड्रोलिक हॉर्स पावर इज इक्वल टू पंप एफिशिएंसी इनटू ब्रेक हॉर्स पावर. सिंपल हमने इस फार्मूले को रीअरेंज किया है. आगे कह रहा है मेनी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स आर अज्यूम्ड टू ऑपरेट एट 90% एफिशिएंसी. फॉर एग्जांपल इफ ब्रेक हॉर्स पावर फॉर ए पंपिंग यूनिट इज 350 HP देन HHP विल बी
315 SP। कह रहे हैं कि मोस्टली जो ट्राइप्लेक्स पंप होते हैं उनकी एफिशिएंसी तकरीबन 90% तक होती है, ठीक है। मतलब ये कि अगर पंप का जो इंजन है, बम्बिंग का जो इंजन है वो 350 SP जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो 10% जो वो लॉस हो जाएगी और फाइनल 315 SP जो है वो हमें फ्लूडेंट पे अवेलेबल होगी। आई होप कि आपको HHP का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम HHP को इन टर्म्स ऑफ फ्लो रेट और प्रेशर की मद में देखें कि जो हमारा फ्लूडेंट है वो फ्लूड को एक सर्टन प्रेशर और एक सर्टन रेट पे पंप कर रहे हैं, तो वो दोनों पैरामीटर हमारे पास है, तो हमने किस तरह से जो है वो उस फ्लूडेंट की HHP को कैलकुलेट करना है। तो उसका जो फार्मूला ये लिखा हुआ है, HHP इज इक्वल टू फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय प्रेशर डिवाइडेड बाय 40.8। तो ये हम पे कह रहा है हियर Q इज इक्वल टू फ्लो रेट इन बैरल पर मिनट। Q क्या है? फ्लो रेट है। और P क्या है? पंप प्रेशर इन PSI। यानी कि अगर आपके पास कोई पंप है और आप उसका फ्लो रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, साथ में उसका जो प्रेशर है उसको कैलकुलेट कर लें, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 40.8 से डिवाइड करें, तो आपके पास उस फ्लूडेंट की या उस पंप की हाइड्रोलिक हॉर्स पावर आ जाएगी। ये हमारे पास एक एक्सरसाइज है, इसको भी देख लेते हैं, हमारी क्लेरिफिकेशन थोड़ी मजीद बेहतर हो जाएगी। कह रहा है कैलकुलेट द HHP फॉर ए ट्राइप्लेक्स पंप। एक ट्राइप्लेक्स पंप के लिए HHP कैलकुलेट करें व्हिच गिव्स अ रेट ऑफ 8.5 बैरल, जो कि 8.5 बैरल का हमें रेट दे रहा है विद 1500 PSI प्रेशर, ठीक है। 8.5 बैरल का रेट मिल रहा है 1500 PSI प्रेशर के साथ, तो उसकी HHP क्या होगी ये हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो कह रहा है BHP फॉर दिस पंपिंग यूनिट इज 450 HP होगा, ये PSI नहीं होगा, ठीक है। तो जो इसकी BHP है ब्रेक हाउस पावर है वो कितनी है? 450 है। तो देखते हैं HHP इज इक्वल टू 8.5 मल्टीप्लाई बाय 1500, 8.5 बैरल पर मिनट, 1500 जो है उसका प्रेशर है और 40.8 से डिवाइड करेंगे तो 312.5 जो है उसकी HP आ जाएगी, ठीक, हाइड्रोलिक हॉर्स पावर आ जाएगी। मतलब उसकी जो इनिशियल ब्रेक हॉर्स पावर है कितनी? 450 है, और लॉसेस के बाद इस पॉइंट पे वो कितने HHP दे रहा है? 312.5 जो है वो HHP प्रोवाइड कर रहा है। अभी फर्दर देखते हैं, हमारे पास एक शीट भी है, इसको भी देख लेते हैं कि इंडस्ट्री में हम लोग जो है वो HHP को कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, ये शीट हमें उसको जो है वो एक्सप्लेन करेगी। तो ये हमारे पास एक किस तरह की? जी, तो ये हमारे पास है एक HHP मेयर करने के लिए जो शीट है। इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो उनके पंपिंग यूनिट होते हैं उनकी फ्रीक्वेंटली जो है वो HHP मॉनिटर करते हैं विद द एज ऑफ द यूनिट। जैसे जैसे यूनिट की एज जो है वो गुजरती जाती है तो उसकी HHP जो है वो कम होती रहती है, यानी कि यूनिट की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास शीट है। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या है, गियर्स हैं, फिफ्थ गियर, फोर्थ गियर, थर्ड गियर, सेकंड गियर और फर्स्ट गियर। आगे यहाँ पर चोक ऑपरेटिंग के लिए लिखा हुआ है, आगे ये स्पीड लिखा हुआ है RPM, आगे रेट और प्रेशर। टाइमिंग जो यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है, एक रेट वाला जो है वो आपने कॉलम देखना है और दूसरा प्रेशर वाला कॉलम देखना है। करते हैं हम किस तरह से कि हम लोग गियर सेलेक्ट करते हैं कि पांचवें गियर में हम लोग एक फिक्स प्रेशर पे, यहाँ पर 300 लिखा हुआ है, मैक्सिमम रेट जो है वो अचीव करने की ट्राई करेंगे। यहाँ पर 300 प्रेशर पे 5.5 बैरल जो है वो रेट मिल रहा है। फिर क्या कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं और साथ में रेट भी बढ़ाने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। 1000 PSI प्रेशर और उसके ऊपर जो मैक्सिमम रेट मिल रहा है 9.5 बैरल मिल रहा है 1550 RPM के साथ, ठीक है। यहाँ पर जैसे जैसे हम RPM बढ़ाएंगे तो रेट और प्रेशर बढ़ते जाएंगे। सिंपल ये कि एक फिक्स प्रेशर के ऊपर जो मैक्सिमम रेट है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह फोर्थ गियर में मुख्तलिफ प्रेशर के ऊपर जो मुख्तलिफ रेट्स हैं मुख्तलिफ RPM के ऊपर वो जो है वो उन्होंने कैलकुलेट कर लिए। अब थर्ड गियर में देखें 2000 प्रेशर के ऊपर जो रेट मिला हमें कितना मिला है? 6.46 बैरल पर मिनट रेट मिला है और स्पीड कितनी है? 2000 RPM जो है वो इंजन की स्पीड है। तो इस तरह हम प्रेशर और रेट का डाटा जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब प्रेशर और रेट के डाटा को हम यूज कर सकते हैं HHP को कैलकुलेट करने के लिए, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा भी है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि फिफ्थ गियर में, फोर्थ गियर में, थर्ड गियर में, सेकंड गियर में, फर्स्ट गियर में हम लोग क्या कर रहे हैं, HHP को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस पंप की जिसकी हमने एग्जाम्पल ली हुई है, पांचवे गियर में इसकी HHP कितनी है? 233 मैक्सिमम इसकी आई हुई है। फिर 298 जो है वो फोर्थ गियर में आई हुई है, 317 जो है वो थर्ड गियर में आई हुई है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम लोग मुख्तलिफ गियर्स में जो पंप की HHP है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक और पॉइंट देख लें, वैसे तो आपको आइडिया हो गया कि जैसे 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 गियर लो हो रहे हैं, हम हायर गियर से लोअर गियर की तरफ जा रहे हैं, तो जो ऑपरेटिंग प्रेशर है वो बढ़ता जाता है और जो रेट है वो कम हो रहा है। देखिए यहाँ पर पांचवें गियर में जो मैक्सिमम प्रेशर मिल रहा है वो 1000 मिल रहा है और 9.5 बैरल का रेट
मिल रहा है। फिर जो है वो चौथे गियर में 1500 प्रेशर हो गया और रेट जो है वो कम हो गया, यहाँ पे प्रेशर और बढ़ गया, रेट और कम हो गया। तो इस तरह जब हम हायर गियर से लोअर गियर की तरफ जाते हैं तो प्रेशर बढ़ रहा होता है और रेट कम हो रहा होता है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रेक हॉर्स पावर एंड हाइड्रोलिक हॉर्स पावर, वो क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।